नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ ऋचा सिंह। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 7,994 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए थे। नाम वापसी के दिन भी बात टफ फाइट वाली सीटों पर हूबहू नाम वाले उन निर्दलीय उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा हो रही है, जिनकी चुनावी रणभूमि में मौजूदगी के ने नेताओं की नींद उड़ा दी है। कुछ सीटों पर तो हूबहू नाम वाले तीन तीन निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। तो आइए बात करते हैं ऐसी कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की जिनकी उम्मीदवारी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पार्वती सीट। पुणे जिले की पार्वती सीट पर महायुति की ओर से भारतीय जनता पार्टी ने माधुरी मिसाल और महाविकास अघाड़ी की ओर से शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अश्विनी कदम को उम्मीदवार बनाया है। टफ फाइट वाली इस सीट पर अश्विनी कदम नाम के तीन निर्दलीय भी चुनावी मैदान में। इंदिरापुर सीट। पुणे जिले की ही इंदिरापुर विधानसभा सीट पर महायुति में शामिल अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी से दत्तात्रेय भरणे और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी से हर्षवर्धन पाटिल मैदान में हैं। इस सीट पर हर्षवर्धन पाटिल नाम के दो और नेता बतौर निर्दलीय मैदान में हैं, तो वही दत्तात्रेय भरणे नाम का भी एक निर्दलीय मैदान में है। वडगांव शेरी। पुणे जिले की वडगांव शेरी विधानसभा सीट पर एनसीपी के उम्मीदवार मौजूदा विधायक सुनील टिंगरे के खिलाफ एनसीपी ने बापू साहेब तुकाराम पठारे को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर बाबू बबन पठारे ने भी नामांकन दाखिल किया है। एनसीपी के उम्मीदवार ने तो अहिल्या नगरी जिले के निवासी अपने हम नाम निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन अस्वीकार करने की मांग भी चुनावी अधिकारी से की थी, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। दापोली सीट। रत्नागिरी जिले की दापोली विधानसभा सीट पर दो शिवसेना का मुकाबला है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने योगेश कदम को टिकट दिया है। वहीं उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी से संजय कदम उम्मीदवार हैं। इस सीट पर योगेश कदम और संजय कदम दोनों ही नाम वाले दो दो निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। कोरेगांव सीट। सतारा जिले के कोरेगांव विधानसभा सीट पर एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना से महेश संभाजी राजेश शिंदे और एनसीपी के शशिकांत शिंदे के बीच फाइट है। इस सीट पर महेश नाम के तीन उम्मीदवार बतौर निर्दलीय मैदान में हैं। इनमें से दो निर्दलीयों के नाम महेश माधव शिंदे और महेश सखाराम शिंदे हैं, जबकि एक उम्मीदवार का नाम महेश माधव कांबले है। इस्लामपुर सीट। सांगली जिले की ही इस्लामपुर विधानसभा सीट पर एनसीपी ने निशिकांत पाटिल और एनसीपी ने जयंत पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर निशिकांत पाटिल नाम वाले दो जयंत पाटिल नाम के दो निर्दलीय भी मैदान में हैं। जाहिर है, जहां एक तरफ पार्टियों को अपनी जीत हार की टेंशन है, तो वहीं दूसरी ओर इनके सामने निर्दलियों ने एक और मुसीबत खड़ी कर दी। ऐसे में पार्टी के लिए भी एक नई मुसीबत सामने खड़ी हो गई है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।